पूरा डिटेल्स प्रो न्यूरो के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले जानकारी जरूरी है न्यूरोलॉजी क्या होता है। न्यूरोलॉजी होता है ये मेडिकल साइंस का एक ब्रांच होता है जिसमें नर्वस सिस्टम के बारे में जानकारी दिया जाता है। समझ में आ गया, ये मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर में, मेडिकल साइंस के अंदर में एक ऐसा डिपार्टमेंट आता है जो सबको दबा के खाली नर्व के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। नर्व एक बहुत वल्नरेबल चीज होता है, नर्वस सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, सोफिस्टिकेटेड सिस्टम होता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स एक्टिव रहता है। तो नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों में उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो नर्व खाली बोन नहीं है। एक्चुअली आप देखोगे कि जब तक हम लोग इस प्रोडक्ट के काम कर रहे हैं तो नर्वस सिस्टम के लिए, जैसे आपको बाहर से डॉक्टर से मिलेगा, सबसे बड़ी बात है उसको रिजनरेशन में भी हेल्प करता है। तो उसके बारे में हम लोग पूरा पूरा डिस्कशन, इन जनरल नर्वस सिस्टम तीन चार होता है, कितने प्रकार का नर्वस सिस्टम होता है, रेस्पिरेशन और जनरल सेंसरी इंफॉर्मेशन, जैसे किसी को टच किया, टेम्परेचर, पेन लगा, वाइब्रेशन हुआ, तो ये जनरल सेंसरी नर्वस सिस्टम। इसके बाद होता है रिसीविंग एंड पर्सिवेटिव परसिविंग स्पेशल सेंसेशन, टेस्ट, स्मेल, विजन, स्पेशल सेंसेशन होता है। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, डिफरेंट पार्ट्स बॉडी तक, बॉडी से डिफरेंट जगह से इंफॉर्मेशन भेजते हैं और उस पर रिस्पॉन्स जनरेशन होता है, रिस्पॉन्स को प्रोसेस किया जाता है और आपको बताया जाता है कि आपके शरीर के अंदर में क्या तकलीफ हो रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, इस सब के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। तो एक होता है जनरल सेंसरी इंफॉर्मेशन, एक होता है रिसीविंग परसिविंग स्पेशल इंस्ट्रक्शन, चौथा होता है नर्व जो पेन प्रोसेसिंग जहां से करता है वहां का इंफॉर्मेशन है, और जो रेस्पॉन्सिव जनरेशन होता है उनके लिए इंफॉर्मेशन है। तो मेन फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम है कि नर्व को चलना करा, नर्व को सही तरीके से चलाए और दिमाग को सही रखे और अपने शरीर को कूल डाउन करे। ये नर्व सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का बेसिक फंक्शन है। तो ब्रेन का जो बेसिक काम क्या होता है, बेसिक सिस्टम में क्या काम करते हैं, ब्रेन नर्वस सिस्टम का टॉप फॉर्म है, हेड ऑफिस है। पूरा शरीर से नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्व होता है पूरा शरीर में फैला हुआ है, वो सब एकदम स्पाइनल कॉर्ड के मध्य अंदर से जाके आपको ब्रेन का लेफ्ट साइड सेंसरी कॉर्टेक्स पे पहुंचा है, सेंस होता है तो उधर पहुंचेगा, बाकी अपने शरीर के अंदर में फैल जाते हैं। तो सबसे पहले ब्रेन का काम होता है अटेंशन एंड कंसंट्रेशन मेंटेन करना। कोई भी चीज में जब काम कर रहा है अटेंशन कंसंट्रेशन होना चाहिए। सेल्फ मॉनिटरिंग होता है, आपका काम आप खुद मॉनिटर करेंगे, ब्रेन का खुद काम मॉनिटर करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग होता है, ब्रेन पूरा चीज को ऑर्गेनाइजिंग करने में हेल्प करता है। तो ब्रेन जिसका डैमेज हो जाता है उसको ऑर्गेनाइजेशन पावर चला जाता है। लैंग्वेज बोलना, मोटर प्लानिंग एंड इनहेलेशन, डिफरेंट लैंग्वेज में बात करना, मोटर प्लानिंग जो होता है, जो टंग ट्विस्टिंग प्लानिंग होता है, मोटर प्लानिंग उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए एक स्कूटर चाहिए, स्पीकिंग जोन चाहिए, तो वो एक हो। उसके बाद एंसरनेस ऑफ द एबिलिटी एंड लिमिटेशंस, आपका जितना एबिलिटी एंड लिमिटेशन के अंदर में आपको रेगुलर आंसर से ट्राई करना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। उसके बाद अवेयरनेस ऑफ एबिलिटीज एंड लिमिटेशन, आपको ये जानकारी जरूरी होगा कि आपको कितना एबिलिटीज है, कितना अवेयरनेस है, वो जानकारी जरूरी होता है। नर्व को सही रखने के लिए आपका पर्सनैलिटी डेवलप होना बहुत जरूरी होता है, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि जो देखा मैंने कि मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी होने से आपके शरीर में बैलेंस कंडीशन अच्छा रहता है, एंड फाइनली इनहिबिशन ऑफ बिहेवियर, आप बिहेवियर को सही तरीके से पैटर्न कर सकते हो। तो ये जितने सारे ब्रेन का फंक्शन होता है, ये थोड़ा सा भी मैल फंक्शन कोई जगह में हो जाए तो आपको बहुत मुसीबत पैदा हो सकता है, आपको नाम भूल सकता है, आपको बहुत सारे डेफिसिट डैमेजेस आ सकते हैं। तो ब्रेन जो होता है, आप सोचिए एक बार, व्हाट इफ यू कुड टैप इनटू 100% ऑफ ब्रेन पावर। आपका ब्रेन के अंदर में जितना पावर है उसको हमने 30% 40% हम लोग यूज करते हैं, 100% यूज होता है कोई फेस्टिवल वगैरह लोक में, तो 100% जो ब्रेन पावर, ब्रेन फंक्शन इंप्रूव किया जाता है उसमें आपको इनॉर्मस पावर डेवलप हो सकता है। तो ये कभी नहीं होता है,
100%, द ब्रेन मोर और लेस 35-40% मैक्सिमम अप टू 50% में काम करता है, बट 100% पावर इज एब्सोल्युटली रेयर टू द रेयरेस्ट केस, जहां ब्रेन सबसे ज्यादा काम करता है। ब्रेन इंसान का शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ब्रेन फंक्शन बंद हो जाए तो आप जैसे भी हो मर सकते हो, और ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, डिजीज में फाइटिंग में हेल्प करता है, और बॉडी फंक्शनिंग में आपको हेल्प करता है ब्रेन। तो ब्रेन को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ब्रेन सही तरीके से काम करे तो आपका बॉडी फंक्शन सही रहेगा। नाउ ब्रेन फंक्शन को सही रखने के लिए, ब्रेन का जो डिफिकल्टीज है उसको सही रखने के लिए, वी आर इंट्रोड्यूसिंग वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट, एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट हम लोग इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है प्रो न्यूरो एडेड विद जिंको बायलोवा के साथ एड करके इसको बनाया गया। जिंको बायलोवा एक हर्ब्स है, जो हर्ब्स अफ्रीका में ज्यादातर मिलता है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ से आपको बहुत सारे न्यूट्रिशन मिल सकता है, और हार्निया के लिए तो महाऔषधि है, हार्निया कंट्रोल भी कर सकता है ये प्रोडक्ट। तो जो अपना प्रो न्यूरो है, ये ब्रेन फंक्शन को स्ट्रेंथन करता है विद इन 24 आवर्स ऑफ इन्वेशन कीड़ा घुसने के बाद, कॉग्निटिव फंक्शन को इंक्रीज करता है। कॉग्निटिव फंक्शन लेके बहुत सारे लोग मेरे को पूछते रहते हैं, ये है क्या सर, किस तरीके से, जैसे मैं आपको समझाऊंगा। तीन लोग खड़े हैं, एक 16-18 साल का बच्चे, एक 22-25 साल का एक यंग लड़का, और एक 55-60 साल का एक बुजुर्ग। तो तीनों के पास गाड़ी है, बहुत ध्यान से सुनिए इसको। तो ये तीनों के पास गाड़ी है, और तीनों लोग आपको गाड़ी चलाना शुरू किया। तो थोड़ी देर में गया तो गाड़ी बारिश बंद हो गया, उसके बाद और एक लड़का गया, थोड़ी देर में और बारिश हो रहा था, बंद हो गया। तो इस तरीके से तीनों ही थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो तीनों में ये सोचा कि हम लोग घर वापस जाएंगे। तो सबसे पहले किसका घर है, तो वो देखा गया, तो उसका एक जो दोस्त है उनका घर था सबसे पहले। तो वो घर जाने के लिए निकले, जिनका उम्र करीब 20-25 साल है, तो वो गाड़ी चलाने लगा, जहां भी गाड़ी आ रहा है उसको पास करके काट करके निकाल रहा है। दूसरा जब चला रहे हैं, उसका अराउंड 40 ईयर्स जैसा एज है, तो वो क्या करते हैं कि आपको थोड़ी देर गाड़ी चला रहा है, कोई जगह में रुक के धीरे गाड़ी चला रहा है, मैच्योर तरीके से गाड़ी चला रहे। और जो आपका 60 साल का बुड्ढे है, उनके पास भी एक गाड़ी जो है वो बहुत ही पुराना गाड़ी है, और बहुत धीरे धीरे लोग देख के आराम से गाड़ी चला रहा है। पर दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि ये तीनों जो कैरेक्टर है वो एक कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर इसलिए, तो तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि इंसान के शरीर के अंदर में बहुत सारे हॉर्मोनल फंक्शन वगैरह होते रहते हैं। उसमें ये दिखाई देता है कि आप तुरंत काम कर रहे हो तो आपको तुरंत एनर्जी मिल सकता है, आप लेट में काम करो तो आपको कम एनर्जी मिल सकता है, आप सही तरीके से काम करो तो आपको सही एनर्जी मिलेगा। तो ये जो मेटाबॉलिज्म होता है, उस मेटाबॉलिज्म में जो प्रोडक्ट आपको जाता है, इसमें आपका जो प्रोडक्ट है, इसमें अपना जो प्रो न्यूरो है, ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं जब आप इसको के साथ की खाना खाने के बाद इसको इस्तेमाल कर। ये प्रो न्यूरो प्रोडक्ट है, नर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया, और बहुत ही अच्छा। बट ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कौन यूज कर सकता है, ऐसे नर्व के लिए प्रोडक्ट कौन यूज करता है? सबसे पहले एंटरप्रेन्योर जो बिजनेसमैन है, ये प्रोडक्ट बिजनेसमैन इसलिए यूज कर पाएंगे क्योंकि उनका जो फंक्शन होता है बहुत ही हाईएस्ट लेवल का होता है, और उनमें मेमोरी लर्निंग को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी होता है जो एंटरप्रेन्योर होता है। तो उसको लर्निंग को सही करने के लिए, मेमोरी को सही करने के लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही वाइटल प्रोडक्ट, क्योंकि स्टूडेंट्स को दिमाग के अंदर में बहुत चाप आता है। तो मान लो 18 साल के ऊपर जितने स्टूडेंट है कॉलेज जा रहे हैं, तो उन लोगों को 1 से 2 कैप्सूल रेगुलर लेने से उसको याददाश्त ताजा रहेगा, और सही तरीके से वो काम भी पाएगा। एंड देन सीनियर से डर रहता है, डिमेंशिया का डर रहता है, तो उनको पहले से 2 टैबलेट करके रेगुलर लिया जाए तो उसको डिमेंशिया और अल्जाइमर का प्रॉब्लम कंट्रोल में आ जाएगा। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग सेशन ये जो हम लोगों ने आज
डिस्कस सारे ग्रुप है उस ग्रुप में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से चलने वाला है और सही तरीके से यूज करने से इसमें बहुत फायदा मिल सकते हैं। तो अपना जो है जो प्रोडक्ट है आपके पास, जो प्रो न्यूरो प्रोडक्ट है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इसके अंदर। दोस्तों इतने अच्छे बढ़िया प्रोडक्ट है, आज भी मैंने मार्केट में कुछ प्रोडक्ट देख रहा था जिसमें 8-7 रुपए ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है, बट प्रोग्रेडा के पास जो प्रोडक्ट है बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले इसमें जिंको बाइलोबा है, जिंको बाइलोबा एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। टर्मरिक हल्दी होता है, उसको नरम करते हैं। मान लीजिए टैपेन टर्मरिक के अंदर में जो एंटीऑक्सीडेंट है वो आपको दिमाग को फ्रेश रखते हैं और ये आपके शरीर के अंदर में एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं। उसके बाद एस्ट्रैक्शन थिन जो होता है, ये फ्रूट्स एक्सट्रैक्ट है और ज्यादातर ये अंगूर का एक्सट्रैक्ट से बनाया गया। इसको मिलाने से क्या होता है कि एक तो शरीर के अंदर में जो फैट जमा हुआ है उसको बाहर निकाल देगा। ट्रांसरिवर्टॉल ये अल्कोहल से बनता है, अल्कोहल को थोड़ा सा फर्मेंटेड करके बनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है जो आपके शरीर को बेटर बनाने में हेल्प करता है। देन इसमें है ट्रांसरिवर्टॉल। ट्रांसरिवर्टॉल एक बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। इसके बाद है जिंको बाइलोबा एक्सट्रैक्ट। जिंको बाइलोबा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जिंको बाइलोबा एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट होता है जो ब्रेन को सही तरीके से काम करता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद रियो डेला रोजेसा है, लैंस मेंस एक्सट्रैक्ट है। इस तरीके से करीब 23-24 इंग्रेडिएंट है इस प्रोडक्ट के अंदर में जो आपको बेहतरीन सपोर्ट देने के लिए वेट कर रहा है। नाउ जो अपना प्रो न्यू है उसमें करीब 24 प्रोडक्ट है, बट उसमें आपको जो मेन इंग्रेडिएंट है उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिंकोगो बाइलोवा। जिंकोगो बाइलोवा जो है एक हर्ब्स है जो ब्लड फ्लो को इंप्रूव करके ब्रेन के अंदर में एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देता है जो ब्रेन सही रहता है। तो ये जो जिंको बाइलोवा है ये कोई भी इंसान इसको इस्तेमाल करे जो दिमाग कम काम कर रहा है, याददाश्त में प्रॉब्लम हो रहा है, उनको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। उसके बाद है टर्मरिक। आप सभी को बताया टर्मरिक के अंदर में जो मेजर मेटाबोलाइट रहता है वो एक हार्मोन रहता है जिसका नाम है कुरकुमिन। कुरकुमिन भूल जाने वाला बीमारी है तो उसको ठीक करने में हेल्प करता है। उसके बाद एस्ट्राजैक्सिन। एस्ट्राजैक्सिन जो होता है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर होता है कि ब्रेन तक इसका खून जो है लेके जा सकता है। और इसमें क्या होता है कि ये न्यूरोजेनरेटिव बहुत सारे डिजीज डिप्रेशन इसको कंट्रोल कर सकता है। नाउ ट्रांस रिज्वाटल जो होता है टॉनिक जैसा होता है, ये फ्रूट एक्सट्रैक्ट है और ये बेसिकली वैसोडायलेटर है। तो इस तरीके से काम करता है तो हार्ट के लिए और दिमाग के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को सही जगह में फैल देता है। गैनोडर्मा, फिर मैंने बताऊं गैनोडर्मा इज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो आपका ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। लायंस मेंस आपको पता है कि जो लायन होता है उसको केशर होता है, बाल होता है सर के ऊपर, वैसे ही देख के लगता है लायंस मेन। ये इंडिया में नहीं मिलता है, ज्यादातर इसको सऊदी अरबिया से लेके आना पड़ता है क्योंकि इंडिया में इसका पेड़ पूरा खत्म हो गया। बट इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट प्रोवेदा का जो इसमें आपको दिमाग को सही तरीके से फंक्शन करने में हेल्प करता है। तो ये जो इतने सारे बेनिफिट, मैंने सब प्रोडक्ट को तो नहीं लिया, बस कुछ प्रोडक्ट को मैंने लिया जो अच्छे तरीके से काम करते हैं। अभी जितने सारे प्रोडक्ट इकट्ठा काम करेंगे तो बेनिफिट क्या है? सबसे पहले बेनिफिट जो यंग ग्रुप में बहुत जरूरी है, मेमोरी बूस्ट अप करता है, मेमोरी को सही करते हैं। उसके बाद एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं। जिसका एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन, थिंकिंग, कॉग्निटिव थिंकिंग, मैंने आपको बताया कि मान लो 3 एज ग्रुप का लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं, पहले तो 20 साल वाला एक लॉरी निकाल रहा है साइड से, 20 साल वाला उसको पास कटा के निकाल जाएगा।
जो 40-45 साल है वो भी कोशिश करेगा, आया कि नहीं गया बात का बात है, पर जो 70 साल वाला है उनके पास गाड़ी है बट वो 1 किलोमीटर दूर में 70 किलोमीटर स्पीड में गाड़ी जाती हुई देखेगा तो क्रॉस नहीं करेगा। तो ये जो सिस्टम होता है, ये जो कैलकुलेशन हो रहा है कि एक गाड़ी से कितना डिस्टेंस होता है, एक गाड़ी से कितना कम होता है, ये जो कैलकुलेशन दिखाई देता है, हम लोग पहले मेजरमेंट करते हैं, दिस इज बेसिकली कॉग्निटिव फंक्शन। ये फंक्शन खराब हो जाए तो ये ठीक नहीं होगा और बहुत मुश्किल होगा, आपको डिस्टेंस समझ में नहीं आएगा, मैप समझ में नहीं आएगा। तो सही तरीके से इस सिस्टम को आप देखिए। देन इसके बाद स्ट्रेंथ एंड कॉग्निटिव टीम, नया नया आइडिया लेके आइए, आपका देखता था ऑफिस में बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें और आपका कॉग्निटिव थिंकिंग को बढ़ा के रखिए सही तरीके से तो बहुत अच्छा रहेगा। आईक्यू लेवल्स बढ़ा सकते हो इसके साथ, क्योंकि जो DH3 है ये आईक्यू लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है। इमोशनल बैलेंस को सही करते हैं आप। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इमोशन जो बैलेंस होता है जिसके कारण कभी कभी हम लोग गुस्सा आते हैं, सामान फेंक देते हैं, तो इस चीज को सही तरीका से मेंटेन करते हैं। उसके बाद देखा जाए कि साउंड स्लीप को लेके आता है, तो नींद जिसका नहीं होता है उसके लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट। ये कोई ट्रैंकुलाइजर ना है बट इसको नींद के गोली उस टाइम लेने से नींद बहुत अच्छा आता है आपका, इतना स्ट्रेस टेंशन जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो साउंड स्लीप होता है। और प्रोटेक्ट जो ब्लड डिजीज होता है, ब्रेन डिजीज होता है, उससे आपको शरीर को प्रोटेक्ट करता है। तो आपको देखा जाए मेमोरी को बूस्टअप करता है, एंग्जाइटी को बूस्टअप करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में काम करता है, कॉग्निटिव थिंकिंग के लिए बहुत अच्छे है, इंक्रीज आईक्यू लेवल के लिए अच्छे है, स्टेबलाइज करते हैं ये इमोशनल बैलेंस को। इमोशनल बैलेंस स्टेबलाइज हो जाए तो बहुत दिन तक खेल सकते हैं, बहुत दिन तक आप काम कर सकते हो कि इमोशनल बैलेंस स्टेबलाइज हो जाए। और फाइनली ये प्रोटेक्ट करता है आपका ब्रेन डिजीज का अगेंस्ट में, तो जितने सारे ब्रेन डिजीज आपके दिमाग में घुस सकता है उससे आपको ये प्रोटेक्शन मिल सकता है। सो दोस्तों प्रो न्यूरो एक बेसिक प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है। इसको आपको एपिलेप्सी, जिसको तड़का बोलते हैं, जिसको आपको वेट लॉस, कंप्लीट वेट लॉस बोलते हैं, उसमें ये प्रोडक्ट मत दीजिए क्योंकि वो पुराना प्रोडक्ट होता है, बट फ्रेश प्रोडक्ट यूज कीजिए। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को सही टाइम पे देने से इसकी इफेक्टिविटी बहुत अच्छी होता है। एक से दो कैप्सूल आफ्टर मील लेना है, खाना खाने के बाद लेना है। तो प्रो कार्डियो न्यूरो कब लेना है, खाना खाने के बाद लेना है प्रो न्यूरो। ये कंपनी का प्रेजेंटेशन है, वहां से ही मैं कर रहा हूं, तो ये प्रो न्यूरो आपको